लोग पूछते रहते हैं कि कितने पैनल लगे हैं आपके पास, तो ये देखिए लगे हैं लगभग ये 1805 वाट बनता है। और ये सभी मतलब वो 12-12 वोल्ट वाले 180 वाट के, तो वो तो पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है, और ये और वो पैरेलल है, ऊपर वाले दोनों ये पैरेलल हैं, और ये आपस में ये भी, और ये सब मिलके आपस में कनेक्शन दिखा दें कैसे हमने पैरेलल किया है। ये देखिए यहाँ से ये दोनों आके एक मिनट गए, यहाँ से ये सिंगल वायर गई, और ये 4-in-1 कनेक्टर, ये देखिए 4-in-1 कनेक्टर में जाके ये चारों सीरीज एक साथ नीचे चली गई 10mm के वायर में, और फिर आ रही है 6mm की वायर, यहाँ से भी ब्लैंक पड़ी है, इससे हमने कुछ नहीं, जब हम अलग करना चाहते हैं तो इससे अलग इन्वर्टर UTL गामा प्लस में ले जाते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन है, ये 2 कनेक्शन है, वो 4 है, और इससे नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि क्या पावर हमें मिलती है। वो तुम्हारे आ रही है MPPT में, और ये ईथन का MPPT है। तो ये देखिए ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर पैनल लगे हैं, तो फुल धूप मिलती है, किसी प्रकार की परछाई या पेड़ पौधा आसपास नहीं है, चारों तरफ से देख लीजिए, या देखिए फुल इस पर धूप मिलेगी, कहीं से भी कोई परछाई वगैरह नहीं पड़नी, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है। तो पैनल जब इसी तरीके से लगाएंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा पूरी तरीके से। तो अब नीचे चलते हैं, दिखाते हैं, पहले तो बता दें ये 10mm की वायर नीचे गई है इसी से, ये बगैर DC वायर है, अब दिखाते हैं कितने एम्पियर क्या मिलते हैं। और ऊंचाई पर जैसे आपने देखा होगा आवाज़ मतलब बहुत अजीब हो जाती है, तो उसकी वजह यही क्योंकि 3 मंजिल चढ़ना उतरना 10 बार आसान नहीं होता। फिलहाल चलते हैं, सबसे पहले हम इसके एम्पियर चेक करते हैं, अभी MPPT अभी फिलहाल ये ऑफ है, तो इसके एम्पियर चेक करेंगे कि हमें क्या मिलता है मैक्सिमम 1805 वाट से दिसंबर 25 दिसंबर को। अभी देखिए 9 या 8 एम्पियर से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, 38 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं, और 975 वाट पावर ये अधिकतम हमें दे पा रहा है, 37 एम्पियर, यानी ये तुम मान चलिए इसमें कभी भी 975 वाट या 1000 वाट से तो कभी ज़्यादा जानी ही नहीं, यानी 37 एम्पियर इसका अधिकतम लिमिट है, इससे ऊपर ये कभी नहीं देगा, चाहे कुछ भी कितने भी पैनल आप कनेक्ट कर दें, और पैनल ज़्यादा कनेक्ट करने से कोई दिक्कत भी नहीं, वो फिक्स कर देता है। अब इसको हम निकाल देंगे, देखिए 38 एम्पियर 988 वाट, मतलब वही 1000 वाट लिमिट है इसकी। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे, देखते हैं इसमें 38 एम्पियर नोट कर लीजिए, और फिर देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऑन, ये ऑन कर दिया, और इसको कर देंगे डिस्कनेक्ट यहाँ से, ये हमने इसका निकाल दिया वायर, अब देखते हैं इसमें क्या पोजीशन जाती है, कितनी पावर मैक्सिमम हमें दे सकता है। ये मेन कनेक्ट दिखा रहा है लेकिन मेन कनेक्ट नहीं हो सकती, 34 एम्पियर सोलर से मिल रहे हैं, 40 एम्पियर, अब 38 के करीब इसमें थे, 240 वाट इसमें पावर थी, पावर इसमें भी देखिए अभी फिलहाल उतनी आ रही है, देखते हैं कितनी ये बढ़ा पाता है, 31 एम्पियर और 42 एम्पियर, तो इसकी तो लिमिट हो गई, 40 ऊपर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें 42 एम्पियर जा रहे हैं, देखते हैं क्या, 34 एम्पियर और 40 एम्पियर, यानी 40 एम्पियर 42 एम्पियर 1100 वाट 4 वाट। अब इसमें 100-200 वाट पावर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, क्योंकि ये चार्ज कंट्रोलर हैवी रेटिंग का है, और ज़्यादा एम्पियर और भी गर्मियों में आने लगे तो और भी ज़्यादा देगा, 44 एम्पियर, देखिए इसमें तो पावर 1117 वाट भी जा रही है, इसमें कभी भी नहीं जाएगी 1117 वाट। तो रही बात क्वालिटी की, तो इसमें ये जो है आपका इतनी जल्दी ख़राब ही नहीं होगा, आ रही है MPPT वाला, और बैटरी भी आपकी 1117 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, तो बैटरी भी सेफ रहेगी। और रही बात इसकी, तो इसमें हमने बाकायदा ओपन करके देखा है, इतने ईजी कंपोनेंट लगे हैं, और इतनी ईजी इसका सेटअप है कि कोई भी लोकल शॉप पे आप इसको बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, वही सिंपल इन्वर्टर वाले MOSFET और इन्वर्टर वाला अलग अलग सर्किट है, और बहुत ईजी, मतलब ये आपके अपने देसी कंपोनेंट या समझिए देसी तरीके से बनाया गया है, ईजी रिपेयर हो जाएगा।